अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नानी जी, अब मैं क्या करूं? निहार जी ने अमृता से शादी के लिए हाँ कह दी। वो मुझे इतनी जल्दी भूल गए क्या दादी जी? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तुम तो जानती हो ना निहार को, वो भले भोला है, नादान है, लेकिन बेटा उसने हमेशा सच का साथ दिया है। मैंने तुम्हें कितनी बार कितना कुछ नहीं सुनाया, एक दो बार तुम्हें घर से जाने को भी कह दिया था ना, लेकिन फिर भी निहार ने तुम्हारा साथ दिया हमेशा, क्योंकि वो जानता था कि तुम सही हो। और उनके हिसाब से इस बार अमृता सही है, इसलिए वो उसके साथ कुछ भी गलत होने नहीं देंगे, है ना? यही बात है बेटा। आज मेरे दिल में निहार जी के लिए इज्जत और बढ़ गई। वो जिस पछतावे में अमृता के साथ शादी कर रहे हैं, मैं उन्हें उस पछतावे से बहुत जल्द आजाद करूंगी, ये वादा है मेरा। जी पंडित जी, ठीक है। पंडित जी का फोन था, कह रहे हैं कि होली के कुछ दिन के बाद का मुहूर्त शुभ है, वो एक दिन में आकर के तारीख तय कर लेंगे। ये फाइनली मेरी और निहार की शादी हो रही है। लेकिन ये रुचिता की आत्मा कहीं मेरी और निहार की शादी ना रोके, इस आत्मा के साए से छुटकारा पाना होगा। सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। होली के कुछ दिनों बाद शादी, ये सोच सोच कर सर फट रहा है मेरा। ये दर्द बाम लगाने से ही जाएगा। ये बाम तो रुचिता लगाती थी, मेरे हर दर्द का इलाज था उसके पास। तकलीफ ऐसे दूर करती थी मानो जैसे कुछ हुआ ही ना। सर दर्द हो रहा है निहार जी, लाइए मैं दबा देती हूँ। आज भी आपका हर दर्द मिटाने के लिए रुचिता है निहार जी। अमृता, इतनी घबराई हुई क्यों? कुछ नहीं अंकल, वो थोड़ा अजीब सा लग रहा था। पूनम जी, आपने बुलाया? पूनम, आज से अमृता और उसके होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी आपकी होगी। निहार ने जो कुछ भी किया उससे मैं रजामंद नहीं हूँ, लेकिन जो है सो है। चाहिए भूत, भूत। ये खड़े खड़े ख्याल।
काली पुलाव क्या पका रही हो? कुछ पूछा मैंने तुमसे? कुछ चाहिए? बहू के मामले में ना मेरी तो किस्मत खराब है। पहले इन्होंने जबरदस्ती रुचिता को लाकर मेरे सिर पर बैठा दिया और अब ये खुद ही आकर बैठ गई। क्या दिक्कत है? क्यों बकबक किया जा रही है आप? जाइए जाके नारियल पानी ले आइए। ये क्या बदतमीजी है अमृता? दिमाग मत खराब कीजिए, बोला ना नारियल पानी ले आइए। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की? ये लो तुम्हारा नारियल पानी। ये क्या पीने के लिए लेके आई है आप? भूख लग रही है मुझे, जाके कुछ खाने। नौकर नहीं हूँ मैं तुम्हारी। निहार का बच्चा है मेरे बेटे, भूल गए आप? अगर इसे कुछ हो गया ना तो सारा इल्जाम आप पर डाल दूंगी। बच्चे के नाम पर कुछ ज्यादा ही मनमानी कर रही है ये। आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। ये सैंडविच लेकर आ गई, मुझे बिल्कुल नहीं खाना ये बोरिंग खाना। लो। अरे ये तो गिर गया, सॉरी। देख कर नहीं चल सकते क्या? लाओ। अबे बाद में उठाइएगा ना, पहले कुछ खाने के लिए ले आइए। चाइनीज ले आइए, मुझे सैंडविच खाने का मन नहीं है। जाइए ना। चाइनीज खाना है। ये एक तो बार बार ये झूमर को देख के ना डर बढ़ता जा रहा है, ऐसे तो पागल हो जाऊंगी मैं। अमृता शांत हो जा। अमृता अमृता, रुचिता का भूत फिर से आ गया। हे भगवान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देव लोक उजागर, राम नाथ तुल बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुखनामा, महावीर विक्रम। अमृता जाओ यहाँ से, रुचिता जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। पापियों को तो भगवान भी अकेला नहीं छोड़ते अमृता, मैं तो फिर भी आत्मा हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने जानबूझकर माँ के हाथ से खाना गिराया है और इससे तुमने सिर्फ माँ का ही नहीं बल्कि अन्य का भी अपमान किया है। जिसकी सजा तुम्हें मिलेगी वो खाना उठाकर तुम्हें खाना होगा। तुम नहीं हो यहाँ पे। पहले तुम अपनी सजा पूरी करो, वो गिरा हुआ खाना खाओ। ठीक है, मैं खा रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ मत करना प्लीज। ये लो तुम्हारा। नहीं, नहीं खाना। अजीब है, लातों के भूत भूतों से ही मानते। कल होली है, रुचिता अगर होती तो इस घर में उसकी पहली होली होती। बड़े ही धूमधाम से मनाते हम ये त्योहार, लेकिन अब रुचिता हमारे बीच नहीं है, इसलिए हम कल होली नहीं मनाएंगे। बस घर की सुख शांति के लिए होलिका दहन की एक छोटी सी पूजा रखे थे ताकि निहार और अमृता की शादी के लिए कोई विघ्न ना आए। आज होलिका दहन है, आज तो रुचिता की आत्मा को खुद से हमेशा के लिए दूर करके रहूंगी मैं।
तुम्हारी वजह से मुझे ये नाटक करना पड़ रहा है। मेरा परिवार होली नहीं मना पा रहा, लेकिन मैं आप सबसे वादा करती हूँ, जैसे ही अमृता का सच बाहर आएगा, हम सारा त्योहार मिलके मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे। जी कहिए। जी मैं फोटोग्राफर हूँ, मुझे मिस मैंने बुलाया है। तुमने फोटोग्राफर क्यों बुलाया अमृता? वो निहार, मैं मानती हूँ हमारी शादी नॉर्मल हालातों में नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी मैं इसे यादगार बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इन्हें कुछ कपल फोटोज क्लिक करने के लिए बुलाया है। अमृता, I'm sorry, लेकिन मुझे कोई फोटो नहीं खिंचवानी। मैं एक बहुत सिंपल सी वेडिंग चाहता हूँ, कोई शोशा नहीं। वैसे अमृता निहार सही कह रहा है, रुचिता को गए अभी कुछ ही दिन हुए, ऐसे में इतना तामझाम करना अच्छा नहीं रहेगा। मैं आपकी बात समझ रही हूँ अंकल, लेकिन शादी हर लड़की का सपना होता है, उसकी जिंदगी का खास पल। हालांकि मैं ऐसी मजबूरी में शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये मेरी पहली शादी है और मैं इसे हर नॉर्मल लड़की की तरह एंजॉय करना चाहती हूँ। अगर मैं अपनी शादी में खुश रहूँगी तो इस घर का आने वाला बच्चा भी खुश होगा। मेरे खुशी के लिए ना सही, पर इस बच्चे के लिए तो फोटो खिंचवा लो। नहीं अमृता, मैंने कह दिया ना, जो कोई फोटो नहीं खिंचवानी, मतलब नहीं खिंचवानी। रुको नहीं, कुछ फोटोग्राफ खिंचवाने में बुराई नहीं, जब इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुमने दो बार नहीं सोचा तो अब फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए इतनी दिक्कत क्यों? खिंचवा लो फोटोग्राफ। थैंक यू अंकल। चलो निहार, हम जल्दी से रेडी होके आते हैं। जी मैं सेटअप लगा लेता हूँ। हाँ जी। हेलो दादी जी, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। अमृता के सारे कपड़े खराब कर देती हूँ, जिससे उसके पास फोटो खिंचाने के लिए कोई कपड़ा ही ना बचे। रुचिता, एक बार मुझे नीचा दिखाने के लिए तुमने निहार के साथ फोटोज खिंचवाई थी, इस बार मेरी बारी है। एंड आई स्वेयर, तुमसे ज्यादा रोमांटिक पोजेस में फोटो खिंचवाऊंगी मैं। भूतने तो नहीं? अब कैसे फोटो खिंचवाऊंगी मैं? इतना अच्छा मौका हाथ से निकल गया। मेरे बैग में भी तो एक ड्रेस है। ये ड्रेस कैसे बच गई? थैंक गॉड, रुचिता का भूत ये ड्रेस नहीं ढूंढ पाया। अब इसी ड्रेस में मैं कराऊंगी अपना प्री वेडिंग शूट। मुझे ये फोटो शूट बिल्कुल नहीं करवाना, लेकिन क्या करूं? एक ऐसी गलती हो गई है मुझसे, जिसकी कीमत जिंदगी भर हर पल मुझे चुकानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा निहार जी, मेरे होते हुए आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा जो आप नहीं चाहते, चाहे वो अमृता से शादी हो या फिर ये फोटोशूट। Thank you.
रुचिता, रुचिता का आसपास होना क्यों महसूस होता? ऐसे क्यों लगता है जैसे वो जिंदा, जैसे वो मुझे देख रही है? बच गई, लेकिन निहार जी, मैं वादा करती हूँ आपसे कि मैं बहुत जल्द ब्रह्म बनकर नहीं बल्कि हकीकत बनकर आपके सामने आऊंगी। फोटो बूथ एंड प्रॉप्स रेडी है, प्लीज आप लोग आ जाइए। अमृता, मैं दो चार फोटोज क्लिक कराकर चला जाऊँ, मुझे बहुत काम है। श्योर निहार, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। तुम ठीक हो? हाँ हाँ। इन प्रॉप्स को हाथ लगाते ही तुम्हारा छींक छींक के ऐसा हाल होगा अमृता कि तुम फोटोज का नाम भी भूल जाओगी। अच्छी। अमृता बस करो, तुम आराम करो, लगता तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। नहीं निहार, मैं अच्छी, मैं ठीक हूँ। वो शायद ये फ्लास से एलर्जी हो गई होगी, मैं इन्हें रख के अच्छा रख के आती हूँ। अच्छा अमृता, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। हाँ। अच्छी। ये कौन छीका? तुम ही तो इतनी देर से छीके मार रही। नहीं, कोई और था। और कौन होगा अमृता? एक मिनट, मैं देख के आती हूँ। मैडम, मुझे कहीं और भी जाना है फोटो के लिए, प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए ना। जल्दी करो अमृता, प्लीज, मुझे भी देर हो रही है। ओके। मैं बस 5 मिनट ही रुकूंगा। निहार जी, स्माइल कीजिए ना। आप स्माइल करते वक्त बहुत क्यूट लगते हैं। क्यूट या हैंडसम? हाँ, मतलब हैंडसम भी। अब स्माइल कीजिए। लंबी लंबी सी नजर, गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर। अच्छा। 5 मिनट हो गए, मैं जा रहा हूँ। निहार, फोटोज दिखाओ ना। ये मेरी फोटोज ब्लर क्यों आई हैं? मैडम, उसमें मैं क्या करूं? आप इतना छींक रही थी, हिल रही थी, तो फोटो ब्लर ही आएगी ना।
रुचिता कहाँ से आई? कौन मैडम? देखिए ना ये सफेद साड़ी में। आप दोनों के सिवा और तो कोई है नहीं मैडम फोटो में। हाँ? कैसे हो सकता है ये? आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। ये तो मेरा फर्ज था रुचिता जी। मेरी जरूरत पर आपने मेरी बहन को फ्री ट्यूशन क्लास देकर उसे काबिल बनाया है, तो आपके लिए मैं इतना तो कर सकता हूँ ना। और हाँ, आगे कुछ भी मेरी जरूरत हो तो बेझिझक मुझे फोन कर दीजिएगा। जी बिल्कुल। आपसे बस एक विनती थी, आपने किसी को मत बताइएगा कि मैं जिंदा हूँ। ठीक है, चलते। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि दुनिया में हर काम सिर्फ पैसे से होता है, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि कुछ चीजें पैसों से नहीं बल्कि अच्छाई और अच्छे संस्कारों से भी तोली जाती है। मेरे निहार जी तो तस्वीर में भी तुम्हारे नहीं होंगे अमृता, जिंदगी की तो बात ही छोड़ दो।